नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बनाएंगे व्रत की रेसिपी जिसका नाम है साबूदाने का चीला। साथ में आपको ये वाली चटनी की भी रेसिपी मिलेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया और खाने में लाजवाब होता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करें। तो हम सबसे पहले चीला बनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे हम कद्दूकस करके लेंगे क्योंकि आलू के गुठलियां ना रहे। ये हमने आलू को कद्दूकस करके लिया है। तो अभी हम बाउल में मूंगफली का पाउडर लेंगे। ये मैंने 4 चम्मच मूंगफली को रोस्ट करके उसे दरदरा पीस कर लिया है। तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे मिला लेंगे और इसे थोड़ी देर साइड में करके ये मैंने आधा कप साबूदाने को 2 घंटे भिगो कर लिया है। तो अभी हम इसे मिक्सी के जार में डालते हैं। अब इसमें लगभग आधा कप पानी डाल के इसे पीस कर लेंगे। ये देखो, साबूदाने को ऐसे पीस लेने के बाद जो हमने आलू को कद्दूकस करके लिया था उसके साथ में ऐड करेंगे। अभी इसमें डालते हैं आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच सेंधा नमक, एकदम बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची। इसके बाद डाल देंगे 2 चम्मच दही। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले। आप अगर इसे रेगुलर नाश्ते में बना रहे हो तो इसमें आपके मनपसंद मसाले और वेजिटेबल डाल सकते हो। तो इसमें जरूरत के अनुसार पानी डाल के थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बना लीजिए, यानी कि जैसे डोसे का बैटर होता है उससे थोड़ा ज्यादा गाढ़ा बैटर होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम चीले बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए तवे पर हम आधा चम्मच घी डाल देंगे, चाहे तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। और 1 बड़ा चम्मच बैटर को तवे पर डाल के उसे चीले के आकार में शेप देंगे। बैटर को डालते समय गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे 2 से 3 मिनट सेक कर लेंगे। ध्यान रखें कि ये नीचे से जब अच्छी तरह सिक जाए तभी इसे पलटे। जब ये नीचे की ओर से सिक जाता है तो इस तरह का दिखता है, तभी इसे पलटकर दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट सेक कर ले। अब इसे पलटकर दूसरे साइड से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोनों साइड से अच्छी तरह पक चुका है। इसी तरह बाकी बचे हुए बैटर के व्रत के लिए चीले बना लीजिए। अभी मैं आपको चटनी बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए पैन में लगभग 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। व्रत में आप जीरा नहीं खाते हो तो जीरे को स्किप करें। बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्ची डालते हैं और इसे थोड़ा भून कर लेंगे। अब थोड़ा धनिया पत्ता डाल के जो हमने मूंगफली पाउडर को भिगो कर रखा था उसे डाल देंगे। अब स्वादानुसार सेंधा नमक डाल के इसमें 1 मिनट तक चम्मच चलाते रहेंगे। व्रत में ये मूंगफली की चटनी आप एक बार जरूर बना के देखें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखो, हमारी चटनी बनके तैयार है। तो दोस्तों, आपको आज की ये व्रत की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।